हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल पे ऐप के बारे में। जी हाँ, गूगल पे ऐप इस साल का नंबर वन एंड्रॉयड ऐप भी रहा है। जी हाँ, गूगल पे हम बहुत सारे डेली यूजेज में गूगल पे को यूज करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, DTH रिचार्ज करना, बिजली बिल जमा करना। तो आज हम सीखेंगे कि गूगल पे की मदद से आप किस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी, किसी भी जगह और किसी भी बैंक अकाउंट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे। गूगल पे ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर देना यार, अच्छा लगे तो कमेंट्स कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए गूगल पे को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। गूगल पे ओपन जैसे करेंगे, यहाँ पे हमें अनलॉक करने के लिए सिक्योरिटी कोड मांगेगा, पैटर्न मांगेगा, जो भी आप सेट किए रहेंगे वहाँ पे आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इसे ऑन करके यहाँ पे पैटर्न दे देता हूँ। तो इसके बाद हमें न्यू पे जाना है। जी हाँ, सिंपली आपको न्यू पे जाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू पे जाने के बाद हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि आता है बैंक ट्रांसफ़र का। जी हाँ, बैंक ट्रांसफर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, आपको सिंपली वहां पे अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो अकाउंट नंबर चलिए हम टाइप करते हैं यहां पे अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हमें इंटर करने के बाद फिर से उसी अकाउंट नंबर को री एंटर करना है। तो यहां पे री एंटर कर लेते हैं, इससे ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमने जो अकाउंट नंबर डाला है वो सही डाला है या नहीं डाला है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर को फिर से री एंटर कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे डालना है IFSC कोड। IFSC कोड आपको आपके पासबुक पे मेंशन होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम IFSC कोड डालते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाल लिया है। यहाँ पे आपको जैसे ही IFSC कोड डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा कि ये अकाउंट कहाँ का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट पटना का है, यहाँ पे ये आ गया। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो अकाउंट नंबर डाला है सही डाला है या नहीं। तो चलिए आप नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर नेम भी डालना है कि किन के अकाउंट पे हमें ये पैसा भेज रहे हैं, अगर मालूम हो तो। तो यहाँ पे हम नाम टाइप कर रहे हैं। जी हाँ, अभिषेक कुमार सिन्हा हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और वो भी एक यूट्यूबर है, उनका एक चैनल है रिव्यू रिविलेट करके है। वो भी बहुत अच्छे अच्छे टैग वीडियो बनाते हैं। तो उनके चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से भी आप जाके उनके चैनल को आप देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं। तो टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप, अगर आप किसी जगह बैठे हुए हैं और आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने की, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बैठे बैठे बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपली। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली अब अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट हमें उन्हें देना है या जिनको आप भेज रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ पे 1 रुपया सेंड करूँगा टेस्ट के लिए। और यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पैसे किस लिए आपने दिए हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, याद के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम F1 TECH टेक SUPPORT F1 टेक सपोर्ट। और यहाँ पे हमें इसको कंटिन्यू कर देना। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको किया कंटिन्यू।
और यहाँ पे नीचे प्रोसेस टू पे पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे अपना लोकेशन ऑन करना है, ओके करना है। अब पेमेंट प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, एकदम लास्ट स्टेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अपना UPI पिन डालना है जो आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते समय सेट किया हुआ था। चलिए मैं अपना UPI पिन यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे बैक करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे अभिषेक सिन्हा जी का ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है और इनको मैंने 1 रुपये पेमेंट कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अब देखिए आपको अगर किसी बंदे का आपने पेमेंट किया तो यहाँ से सिंपली आप, अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप गूगल पे, मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओपन करना है गूगल पे। अगर अभिषेक सिन्हा जी को आपको फिर से पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीधा अभिषेक सिन्हा जी पे एक कॉन्टैक्ट की तरह ऐड हो जाता है। यहाँ पे जाना है, सिंपली स्टार्ट पेमेंट, अमाउंट डाला और यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर देना है, कुछ करना नहीं। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था दोस्तों ये, आप ट्राई करके देखो। आप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।